हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से पैकरा ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं करने वाला हूं, आज मैं रिव्यू देने वाला हूं मेरा पर्सनल कंप्यूटर का, जो कि मेरे पीछे रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, इसको लगभग 6 सालों से यूज़ कर रहा था, बीच में ख़राब हो गया, उसके बाद मैंने इसको अपग्रेड किया हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही अपग्रेड किया हूँ, इसका जितने भी पुराना कॉम्पोनेंट्स था वो सबको निकाल दिया हूँ और नए कंपोनेंट्स लगाया हूँ और कैबिनेट को भी फुल्ली अपग्रेड कर दिया हूँ, उसको पेंट कर दिया हूँ, देख सकते हैं वाइट कलर का है। और चलिए मैं दिखाता हूँ अंदर का कंपोनेंट्स, जो कि मैं क्या क्या इसमें लगा रखा हूँ, कितने जीबी का रैम है, रोम है, सब मैं दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहना फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, नज़दीक से देख सकते हैं आप लोग, मेरा पीसी कुछ इस तरह से दिखता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या, कौन कौन सा कंपोनेंट्स मैं नया लगाया हूँ उसको। तो चलिए जल्दी से इसको खोलते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा सीपीयू जिसको हाल ही में मैं यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, फुल्ली अपग्रेड कर दिया हूँ। ये पहले इस टाइप से दिखता था और अभी इस टाइप से दिख रहा है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कितना फ़र्क दिख रहा है इसमें। इधर देख सकते हैं, पहले ब्लैक कलर का था फ्रेंड्स, इसको मैं स्प्रे कर दिया हूँ वाइट कलर का, जो कि ऑनलाइन मैंने मंगाया था, उसको भी दिखाऊंगा कौन सा स्प्रे था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अंदर का कंपोनेंट्स जिसको मैं फुल्ली अपग्रेड कर दिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई टेबल नहीं है, इसलिए मैं अपने बेडरूम में हूँ और पलंग के ऊपर सीपीयू को खोलने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से खोल लेते हैं और दिखाता हूं अंदर का पार्ट्स। तो फ्रेंड्स, इधर का देख सकते हैं साइड पैनल, जो कि मैं शीशे का लगाया हूं, ब्लू कलर का। एक वाइट कलर का भी मिल रहा था जो कि ट्रांसपेरेंट ही था, तो उसको मैं नहीं लिया, ब्लू कलर का लिया, जो कि देखने में अच्छा भी दिखता है। और फ्रेंड्स, मैं इसमें जुगाड़ से बनाया हूँ बोल्ट, देख सकते हैं, ये गाड़ी का ट्यूब है जिसको मैंने काट के बोल्ट में लगाया हूँ, उसके बाद फिर इसको टाइट किया हूँ शीशे को, पैनल को, जो कि जिसको मैं इसलिए लगाया हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, अगर सिर्फ बोल्ट को ही मैं कसता तो शीशा टूटने का चांस ज़्यादा हो जाता, ज़्यादा बढ़ जाता, इसलिए मैंने इसको मतलब ट्यूब को लगाया ताकि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े शीशा में। और फ्रेंड्स, साइड में मैंने टेप लगा दिया है, जो कि कुछ मतलब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, खोलता हूँ मैं इसको। तो इसको खोलने के लिए हाथ से भी खुल जाता है, और हाथ से ना खुले तो पेचकस से भी खोलना पड़ता है स्क्रू ड्राइवर से। तो फ्रेंड्स, पूरा वोल्ट खोल चुका है, और चलिए साइड पैनल को आराम से निकालता हूँ। फ्रेंड्स, ये चिपक गया है, वो आराम से निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये कांच का है, टूट सकता है। एक तो इसको रखते हैं साइड में हम लोग, और आ गया मेरा अंदर का पीसी। तो फ्रेंड्स, इधर देख सकते हैं, मैंने पूरा अंदर का मॉडिफाई कर दिया हूँ, मतलब नए नए कंपोनेंट्स लगाया हूँ। इधर देख सकते हैं आप लोग, मदरबोर्ड, इधर फ़ैन लगा है, और ऊपर में भी एक फ़ैन लगाया हूँ, और साइड में दो फ़ैन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो पीसी है, इसमें मैं 4th जनरेशन का i5 प्रोसेसर लगा रखा है, और NVMe स्लॉट है, जो कि XPG अडाटा की तरफ से आता है। 256 GB का SSD लगा रखा हूँ, NVMe SSD, और एक है जो हार्ड डिस्क लगाया हूँ, ये है 160 GB का हार्ड डिस्क, जो कि मैं पुराने कंप्यूटर मतलब जो पुराना बोर्ड था उसमें यूज़ करता था इसको, पहले इसी में मैंने विंडो अपलोड करवाता था। तो फ्रेंड्स, ये बोर्ड जेब्रोनिक्स Jeb 81 है, H81 M2 बोर्ड, जो कि मैंने ऑर्डर पे मंगवाया था,
दुकान में जो भैया थे उसको मैंने बोला था कि मुझे ये बोर्ड चाहिए और उन्होंने ये बोर्ड लाकर दिए मुझे। ये RGB फैन है जिसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेजोन से। और फ्रेंड्स इधर देख सकते हैं जिसका ऑन ऑफ बटन और रिसेट बटन है उसको मैंने ऊपर दे दिया है, जो कि पहले सामने लगा था यहाँ पास, और यहाँ पास CD ड्राइव था। यहाँ जितने भी कंपोनेंट्स थे फ्रेंड्स उसको मैंने ग्लेंडर से काट दिया, मशीन से काट के उसको पूरा खाली कर दिया। उसके बाद मैंने फ़ैन को फिट किया है, देख सकते हैं आप लोग, RGB फ़ैन है जो कि 120 mm का आता है। और मैं यहाँ 3 फ़ैन एडजस्ट करने वाला था यहाँ पे, लेकिन 2 ही फ़ैन एडजस्ट हुआ। उसके बाद मैं सोचा इधर लगाऊं, पर इधर भी एडजस्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे छोटा पड़ गया, मतलब फ़ैन बड़ा पड़ गया, इसलिए यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ। इसलिए मैंने ऊपर को काट दिया और ऊपर ही उसको माउंट कर दिया हूँ। देख सकते हैं ये छोटा है, कम से ये 80 mm या तो 90 mm का है, और ये 120 mm का फ़ैन है, इसलिए ये बड़ा हो गया और पीछे नहीं लग पाए फ्रेंड्स, इसलिए मैं उसको ऊपर लगा दिया हूँ। तो फ्रेंड्स ये है RGB फ़ैन का केस जो कि मैं CPU में लगा रखा हूँ, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वारहैमर के तरफ से आने वाला कार्टोस IF120 किट है जिसमें 3 फ़ैन होता है फ्रेंड्स, जो PC में लगा रखा हूँ, इधर देख सकते हैं 2 और 1 ऊपर है। और फ्रेंड्स इधर है उसका स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, और इधर फीचर्स भी है, और इसके अंदर और भी है फ्रेंड्स, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को खोल के। ये है फ्रेंड्स मेरा पर्सनल कंप्यूटर जिसमें कि मैंने 8 GB का रैम लगाया है, 256 GB का SSD और i5 फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर लगा रखा है फ्रेंड्स, और इधर है 160 GB का हार्ड डिस्क। तो फ्रेंड्स यही है मेरा पर्सनल कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर एक और बॉक्स है, इसमें था है, दिखाता हूँ इसमें, इधर देख सकते हैं कॉशन दिया है, मतलब सावधानियाँ कुछ, और इसमें एक वायर दिया है कनेक्टर जो कि मदरबोर्ड में लगता है, उसके लिए ये कनेक्टर दिया है, लेकिन मैंने उसको डायरेक्ट SMPS से माउंट कर दिया है फ्रेंड्स, इसका ज़रूरत नहीं पड़ा मुझे। और ये जो स्क्रू है ये फ़ैन को कसने के लिए था, लेकिन मैं उसका कुछ और ही जुगाड़ बनाया, उसके लिए अलग ही बोर्ड, मतलब अलग ही बोल्ट में उसका लगा दिया हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं इस कैबिनेट में जो पेंट यूज़ किया हूँ वो क्यूब का है, देख सकते हैं आप लोग, क्यूब ग्लॉस वाइट। तो फ्रेंड्स ये मेरे को ऑनलाइन पड़ा था 99 rupees का, जो कि सस्ता था, और इसका पेंट भी खास नहीं है, मेरे को लग रहा है छूटता है, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, स्क्रैच हो जाता है तो छूट जाता है इसका पेंट। और इसका पुराना वाला बोर्ड चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स ये है इसका पुराना वाला बोर्ड, देख सकते हैं मेरा, जो कि ASUS का है, इसमें Pentium प्रोसेसर लगा था, इसका प्रोसेसर भी रखा हूँ, रैम भी सब चीज़ रखा हुआ हूँ। और इसका देख सकते हैं मैन्युफैक्चर कब हुआ था, 18 मई 2010, और आज है 2 अक्टूबर 2024। तो फ्रेंड्स सोच सकते हैं कितना पुराना बोर्ड है ये, जो कि मैं इसको अभी तक यूज़ कर रहा था। और ये है इसका CPU फैन, ये भी पूरा ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं चूहा काट दिया इसका वायर को, और पूरा ख़राब हो गया है, इसका जो स्क्रू था वो भी पूरा टूट चुका है। तो फ्रेंड्स यही है मेरा पर्सनल कंप्यूटर जो देख सकते हैं आप लोग, फुल्ली मैं इसको अपग्रेड किया, इसमें वाइट कलर का दिया, देख सकते हैं इधर गंदा भी हो गया है। ऊपर में मैंने एक पंखा लगाया, और यहाँ पे रिसेट और पावर बटन को लगा दिया, सामने शीशा लगा दिया हूँ, देख सकते हैं कांच शीशा है, और ये जो साइड में लगा है ये एक फाइबर सीट है, और जो पंखा को मैं माउंट किया हूँ वो भी एक फाइबर सीट है, इधर ये वाला देख सकते हैं, ये वाला सीट लगा दिया हूँ काट के। तो फ्रेंड्स मैं इसमें क्या क्या एप्लीकेशन अपलोड किया हूँ चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से कस लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को।
तो फ्रेंड्स मैं कंप्यूटर को पूरी तरह से सेट कर चुका हूं, तो चलिए मैं इसको चालू करता हूं मैं और दिखाता हूं इसका इसमें कौन कौन सा एप्लीकेशन मैं इंस्टॉल कर रखा हूं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका RGB लाइट कुछ इस तरह से दिखता है, और इधर मेरा मॉनिटर जो कि सैमसंग का है, और इतना पुराना होने की वजह से इसका डिस्प्ले ख़राब हो रहा है। देख सकते हैं लाइनिंग पड़ चुका है, और अंदर देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरा ट्रांसपेरेंट। अंदर में भी और लाइटिंग करना है फ्रेंड्स, तो और थोड़ा अच्छा दिखेगा। पीछे वाले फैन में भी लाइट लगाना है तो और अच्छा दिखेगा अंदर मेरा CPU। तो कंप्यूटर चालू हो चुका है फ्रेंड्स, इधर देख सकते हैं मैंने इसमें विंडो 11 इंस्टॉल करा रखा है, आप लोग देख सकते हैं विंडो 11। तो चलिए जल्दी से इसको खोल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स और मैंने इसमें वायरलेस माउस यूज किया है, इधर देख सकते हैं इधर आप लोग वायरलेस माउस है। तो चलिए मैं इस PC का अबाउट दिखाता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स इधर देख सकते हैं आप लोग डिवाइस नेम और प्रोसेसर लगा रखा हूँ मैं, इंटेल का i5 कोर i5 है जो कि 2.70 GHz का है, लेकिन बहुत कम है फ्रेंड्स, कम से कम 30 GHz का होना चाहिए था हर्ट्ज का। और इसमें मैंने 8 GB का रैम लगाया है, देख सकते हैं आप लोग, और इधर 64 bit का ऑपरेटिंग सिस्टम है, देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या इंस्टॉल किया हूँ। तो फ्रेंड्स इधर आप लोग देख सकते हैं BlueStack 5 जिसमें मैंने इंस्टॉल किया है BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, और इसमें APB गेम है, कॉम्बैट मास्टर गेम इंस्टॉल किया हूँ, और पॉलीगॉन है, और वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट है, और फिल्मोरा है फ्रेंड्स। फिल्मोरा किधर है, ये इधर है फिल्मोरा, और इधर कानवा देख सकते हैं, इसको भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, और इसमें फ्री फायर भी चल जाता है फ्रेंड्स। मैं फ्री फायर इसमें गूगल प्ले गेम्स बीटा के अंदर खेलता हूँ, उसमें इंस्टॉल किया हूँ फ्रेंड्स। और इसमें GTA 5 भी रन कर जाता है, मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखे हैं जिसमें GTA 5 को भी रन कराए हैं विदाउट GPU। तो मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं कि मैं इस पर GTA 5 इंस्टॉल कर सकूँ, GTA 5 के लिए कम से कम 1000 रुपये खर्च करना पड़ेगा तो जाके इंस्टॉल होगा, और यहाँ प्रतापपुर में GTA 5 भी नहीं रखे हैं कोई, इसलिए मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं कराया। और इधर देख सकते हैं मैंने स्टीम भी इंस्टॉल कर रखा है, स्टीम एपिक गेम्स और रॉकस्टार गेम्स तीनों को इंस्टॉल कर रखा है। इसमें से मैं ऑफलाइन गेम्स और फ्री गेम्स जो आते हैं उसको इंस्टॉल करता हूँ, उसका भी साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, कम से कम 40 GB 50 GB ऐसे इसके साइज होते हैं इसमें गेम्स। तो और यहाँ मेरा रूम जो है अंदर में है, तो यहाँ नेट भी नहीं चलता है, ना वाईफाई नहीं है, 5G अनलिमिटेड चलता भी है तो बहुत स्लो चलता है यहाँ। तो फ्रेंड्स यही था मेरा पर्सनल कंप्यूटर जिस पे मैं कैपकट यूज़ करता हूँ, देख सकते हैं खोल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कैपकट PC। वैसे कैपकट PC इंडिया में बैन है, PC या फिर मोबाइल वर्जन कोई सा भी वर्जन ले लें, दोनों इंडिया में बैन है, इसके लिए VPN इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं VPN भी इंस्टॉल किया था, इधर देख सकते हैं मैं मेरे 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो कि वीडियो एडिट कर रहा था, तो आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट में जाकर दिखाता हूँ। देख सकते हैं कैपकट का फर्स्ट लुक, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं अपने कंटेंट्स। हालांकि मैं इसमें आता नहीं उतना खास वीडियो एडिटिंग, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो यही था फ्रेंड्स मेरा पर्सनल कंप्यूटर। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।